अभी तक हमने कैलकुलस का एक पार्ट स्टडी किया, पार्ट वन ऑफ कैलकुलस, और वो क्या था? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को ही क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, है ना। डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम क्या है? डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके डिफरेंट रूल्स क्या होते हैं, उसके हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ कैलकुलस। और कैलकुलस का सेकेंड पार्ट क्या है? इंटीग्रेशन। मैं एक बात को वापस रिपीट करो बच्चों, हम लोग जो कैलकुलस स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, वो सिर्फ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी कर रहे हैं। का मतलब फिजिक्स में जो कैलकुलेशन कैलकुलस का हमको यूज करना है, बस उतना ही फॉर्मूला हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बट कैलकुलस जो है वो तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंशिएशन भी डिटेल में स्टडी करना है और इंटीग्रेशन भी डिटेल में स्टडी करना है। फिजिक्स में हमको सिर्फ उतना ही स्टडी करना है जो हमको फिजिक्स में काम में आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले अगर मुझे इंटीग्रेशन को एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो बच्चों इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है जो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। एग्जैक्टली रिवर्स, एग्जैक्टली अपोजिट। तो एक ऐसे अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, या रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, का मतलब डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन का सिंबल होगा ऐसे एस, ये लेटर एस होगा, तो थोड़ा उसको स्ट्रेच करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, इंटीग्रेट करना का मतलब कलेक्ट करना। तो समेशन जो होता है मैथमेटिक्स का समेशन, वो हम लोग परफॉर्म करेंगे विद इंटीग्रेशन। तो फिर समेशन और इंटीग्रेशन में क्या फर्क है? अगर इंटीग्रेशन ही समेशन है तो फिर हम लोग समेशन क्यों नहीं कर रहे? तो बच्चों समेशन जो होता है वो समेशन होता है फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए, मतलब फाइनाइट टर्म्स के लिए। तो अगर मुझे कुछ 10, 12 या फाइनाइट नंबर्स को ऐड करना होगा तो मैं समेशन यूज करूंगा। बट अगर मुझे लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करना है तो फिर मुझे यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज फॉर लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स एंड समेशन इज फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये होगा मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन, ये उसका सिंबल होगा। ओके, नाउ देखो कैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवर्स है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन एफ है और ये फंक्शन एक्स का फंक्शन है। तो अगर d by dx, what is d by dx? Derivative, है ना? इसको बोलेंगे differentiation with respect to x. तो d by dx of fx is f dash of x. इसका मतलब differentiation of fx अगर f dash of x है, differentiation of f of x is f dash of x. तो we can say integration of f dash of x dx is equal to fx. इसका मतलब अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा। आई रिपीट, अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ एक्स। एग्जैक्टली अपोजिट। अभी इसको समझते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इन फिजिक्स। तो फिजिक्स का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अपने को यह रूल पता चलेगा। तो लेट x रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, लेट v रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड लेट a रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। अभी हमको मालूम है वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इन द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंशिएशन इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। यहां पे t क्या है? टाइम। तो वी कैन से वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर इसका अपोजिट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट एक्स जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर वेलोसिटी है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट होगा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जैक्टली अपोजिट। एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी।
इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इन द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंशिएशन इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका रिवर्स करो तो आई कैन से वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए डीटी, इसको मैंने यहां पे ट्रांसफर किया, डीटी को यहां पे ट्रांसफर किया। तो वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए तो आपको पता चलेगा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट फिनोमेना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन। अभी रिवर्स जाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली अपोजिट। तो आप यहां पे ऑब्जर्व करो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमको इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले स्टडी करते हैं। लेट अस डिस्कस सम फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला फॉर्मूला, और ये सबसे पहला जो फॉर्मूला है यही फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। सो द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला इन फिजिक्स इज द फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डीएक्स का मतलब इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन का हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन का हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का मतलब ये जो पावर है उसमें प्लस वन कर दो और सेम पावर को लिखो डिनोमिनेटर में। तो x रेस टू एन dx का इंटीग्रेशन x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का मतलब पावर में प्लस वन एंड सेम पावर इन द डिनोमिनेटर। बट इस रूल में जो n होगा इट में बी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ये जो n पावर है, ये जो n है, ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, बट x कैन नॉट बी माइनस वन। इसमें जो n होगा ये n माइनस वन नहीं हो सकता, इट कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। अगर n माइनस वन होगा तो उसके लिए रूल अलग है, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो पहले जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तभी n जो है वो माइनस वन नहीं हो सकता, इट कैन बी एनी नंबर। चलो इसका कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल वन, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू टू dx का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। तो यहां पे n कितना है, देखो यहां पे पावर कितना है, 2। रूल क्या बोल रहा है, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का मतलब पावर में प्लस वन एंड सेम पावर इन द डिनोमिनेटर। तो यहां पे भी पावर में प्लस वन करेंगे और सेम पावर इन द डिनोमिनेटर एंड 2 प्लस वन इज 3। तो आंसर क्या होगा, x क्यूब बाई 3। तो x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3। जिन बच्चों को यह रूल समझ गया है ये बच्चे इसका कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। मैंने क्या बोला, पावर में प्लस वन एंड सेम पावर इन द डिनोमिनेटर का मतलब 2 प्लस वन 3। तो दिस इज एक्स क्यूब बाई 3। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डीएक्स का मतलब इंटीग्रेशन किसका करना है, रूट एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स करना है। सबसे पहले इसको हम लोग ये फॉर्म में लाएंगे बिकॉज अभी तो पावर है नहीं, तो रूट एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स रेस टू हाफ, बिकॉज स्क्वायर रूट का मतलब रेस टू हाफ। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू हाफ डीएक्स, बिकॉज रूट का मतलब रेस टू हाफ। अगेन ये रूल अप्लाई करो, यहां पे एन कितना है कंपेयर करो, यहां पे एन कितना है हाफ, तो एन प्लस वन कितना होगा, हाफ प्लस वन एंड सेम पावर इन द डिनोमिनेटर, दैट इज हाफ प्लस वन। हाफ प्लस वन इज 3/2, तो दिस इज एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 का 2 विल गो इन द न्यूमरेटर, तो दिस इज 2 एक्स रेस टू 3/2/3। ये होगा इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस 3 डीएक्स। यहां पे एन देखो नेगेटिव आ गया,
बट रूल तो वही होगा। तो एक्स रेस टू माइनस थ्री डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेस टू माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन, क्या क्या मैंने पावर में प्लस वन किया और सेम पावर को लिखा इन द डिनोमिनेटर, तो बन गया एक्स रेस टू माइनस टू अपॉन माइनस टू। तो ये कुछ एग्जाम्पल इस रूल के। ओके, फॉर्मूला नंबर टू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस वन डी एक्स का मतलब अगर एन यहां का माइनस होगा तो क्या करेंगे? तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस वन डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स बिकॉज एक्स रेस टू माइनस वन इज वन अपॉन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स टू द बेस ई, ये जो लॉग होगा उसका बेस ई होगा, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इंटीग्रल एक्स रेस टू माइनस वन डी एक्स या इंटीग्रल वन अपॉन एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई, वी होगा सेकेंड फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स? अब ये जो डीएक्स है इसको मैं लिख सकता हूं एक्स रेस टू जीरो डीएक्स बिकॉज एक्स रेस टू जीरो वैसे भी तो वन हो गया। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे x का पावर जीरो ले लिया बिकॉज x का पावर जीरो होगा तो वन ही होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू जीरो डीएक्स और ये रूल अभी अप्लाई करो n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन तो क्या आएगा x आएगा। तो आपको रूल याद रखना, ये मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया। तो बच्चों रूल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स होता है x, अगर dx नहीं होगा कोई और फंक्शन होगा जैसे dt है, ये जितने भी रूल है वहां पर मैंने x दिया है बट x की जगह पे कोई भी दूसरा फंक्शन भी हो सकता है, इट कैन बी t, इट कैन बी q, एनी फंक्शन, बट फॉर्मूला सबके लिए सेम ही होगा। तो अगर इंटीग्रल dt फाइंड करना मीन x की जगह पे t है तो भी रूल तो वही होगा। तो अगर इंटीग्रल dx x है तो फिर इंटीग्रल dt क्या होगा, t होगा। अगर इंटीग्रल dx x है तो इंटीग्रेशन ऑफ डीटी क्या होगा, टी होगा। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू सम मोर फॉर्मूले। रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म्स, इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस और माइनस वी, या तो प्लस वी होगा या माइनस वी होगा विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो यहां पर दो टर्म इन्वॉल्व है, आए तो दो टर्म का एडिशन होगा या दो टर्म का सब्ट्रैक्शन होगा, तो उसमें भी रूल सेम होगा जो डेरिवेटिव में क्या था या डिफरेंशिएशन में क्या था। तो इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू टर्म्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल टर्म का मतलब यहां पे दोनों टर्म का इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस और माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स का मतलब दोनों टर्म का इंटीग्रेशन अलग से होगा इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट रूल, इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स, यहां पे सी क्या है, कांस्टेंट। ओके, यहां पे सी क्या है, एक कांस्टेंट विच कैन बी एनी नंबर ऑल्सो। तो सी अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आता है, इस रूल को भी याद रखो कि इंटीग्रेशन में जब कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट ऑलवेज कम्स आउटसाइड द इंटीग्रेशन ऑपरेशन। तो ये सी कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, तो यहां लिखेंगे सी इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स, है ना, सी ऑलवेज कम आउटसाइड। चलो इस रूल का देखो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स, ये हमको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स, बट टू तो नंबर है और नंबर इज कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट ऑलवेज कम्स आउटसाइड, तो ये टू बाहर आएगा, तो इस टू को बाहर लिया, इंटीग्रेशन डीएक्स का हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, एक्स, ये तो मैंने सीख लिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टू डीएक्स इज टू एक्स। ओके, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डीएक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डीएक्स इज ई रेस टू एक्स, नो चेंज, सेम रहता है, नो चेंज। इवन इन डेरिवेटिव ऑल्सो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही था, वॉट इज ई एक्सपोनेंशियल। अभी देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है,
याद करो बच्चों, डेरिवेटिव में क्या था? तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स था कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था? कॉस एक्स, बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है? माइनस कॉस एक्स, कंफ्यूजन होगा याद रखना आपको। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स इज साइन एक्स। अभी वापस देखो डेरिवेटिव में क्या रूल था, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स, बट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? प्लस साइन एक्स, तो साइन उल्टा हो जाता है, ये आपको बराबर याद रखना है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, और डेरिवेटिव में क्या हमने स्टडी किया? टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, तो अगर टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स है तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। नाउ नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कोसेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स इज माइनस कॉट एक्स, तो कोसेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटू डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटू डीएक्स होता है माइनस कोसेक एक्स। बच्चों हम लोग फिजिक्स में मोस्टली साइन एक्स और कॉस एक्स का ही इंटीग्रेशन यूज करेंगे, बाकी जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं या मैथ्स में ज्यादा यूज करोगे, फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं करोगे। तो फिजिक्स में जो हम लोग ज्यादा यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होंगे? साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इनको हम लोग फिजिक्स में रेगुलरली यूज करेंगे। तो ये होंगे कुछ और फॉर्मूले इंटीग्रेशन के। बच्चों इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर 1 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड नंबर 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन आर द टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि हमको जो क्वेश्चन दिया है वो इनडेफिनेट का है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का है? तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, पहले वो समझ लेते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन करना होगा विदाउट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, का मतलब इंटीग्रेशन कहां से शुरू करना है और कहां पे खत्म करना है, ये हमको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं यूजुअली लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे ऊपर और नीचे, यहां लिखा जाता है लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे लिखा जाता है अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, का मतलब इंटीग्रेशन कहां से शुरू होगा और कहां पे खत्म होगा। तो इन इनडेफिनेट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर नॉट स्पेसिफाइड। तो जब भी इंटीग्रेशन के लिमिट्स नहीं लिखे जाते हैं तो उसको बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो वहां हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो हमको फॉर्मूला के साथ प्लस सी लिखना है, वेयर सी इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज सी? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ इनडेफिनेट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में ही यूज होता है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब कहां से शुरू और कहां पे खत्म, ये हमको स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इन डेफिनेट इंटीग्रेशन वी आर प्रोवाइडेड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, हमको इंटीग्रेशन के लिमिट्स दिए होंगे। जैसे यहां पे लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स रेस टू एन डीएक्स, इसका मतलब हमको एक्स रेस टू एन डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम ए टू बी, ये होंगे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, का मतलब ए से स्टार्ट और बी पे खत्म, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। नाउ एक्स रेस टू एन डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट के बाहर हमको लिखने पड़ेंगे इसके
लिमिट्स, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले है इंटीग्रेशन के। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इस तरीके से सॉल्व होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला से मेथड से सॉल्व होता है। तो ये सॉल्व करने के बाद मुझे मिला x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो तो अप्लाई करो, और फिर ये जो लिमिट्स होंगे वो लिमिट्स आएंगे ब्रैकेट के बाहर। यहां पे a है लोअर लिमिट और b है अपर लिमिट। फिर इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपको x को पहले सब्स्टिट्यूट करना है अपर लिमिट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट यू विल पुट x एज अपर लिमिट, पहले x को लिखो अपर लिमिट, और फिर आएगा माइनस साइन। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक रूल है, तो फिर आएगा माइनस साइन, और फिर आप x को लिखो लोअर लिमिट। तो इट इज ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब जिसका आपने इंटीग्रेशन किया है उस उस वैल्यू को अपर लिमिट और लोअर लिमिट से रिप्लेस करना है। तो अगर मैंने x को अपर लिमिट लिखा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू बी, तो ये होगा बी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहां देखो क्या हुआ, x इज रिप्लेस बाय अपर लिमिट, फिर आ गया माइनस साइन, और फिर x इज रिप्लेस बाय लोअर लिमिट, तो यहां पे x की जगह पे a आ गया, तो इट्स a रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो डेफिनेट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इस मेथड से सॉल्व होता है। पहले आप इंटीग्रेशन सॉल्व करो यूजिंग द फॉर्मूला, फिर लिमिट्स को लिखो ब्रैकेट के बाहर, और फिर लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। चलो डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 3 का, मतलब लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 3 है। तो ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है, ये है डेफिनेट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों डेफिनेट टाइम, बिकॉज हमको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दिए है 1 से लेकर 3 तक। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर डीएक्स का फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ पे एन कितना है 2, तो एन प्लस वन कितना होगा 2 प्लस वन अपॉन सेम पावर इन द डिनोमिनेटर। तो एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स रेस टू 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये जो लिमिट्स होंगे ये ब्रैकेट के बाहर है ना, सेम रूल। फिर ये कितना हो गया एक्स क्यूब बाय 3, दिस इज एक्स क्यूब बाय 3 एंड लिमिट्स क्या है 1, 2, 3। इसको सॉल्व करने के लिए ये रूल अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट, तो x की जगह पे 3 आएगा, तो दिस इज 3 क्यूब बाई 3, मैंने x को लिखा अपर लिमिट। फिर माइनस x को लिखा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है 1, तो पहले x रिप्लेस होगा 3 से, फिर x रिप्लेस होगा 1 से, और बीच में आएगा माइनस साइन। दिस इज अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर इंटीग्रेशन। और फिर ये होगा 3 क्यूब, 3 क्यूब कितना है 27, 27 बाय 3 एंड माइनस 1 बाय 3। फिर इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, मैंने यहां तक आपको एक्सप्लेन किया। इन सेकंड एग्जांपल हमको पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू माइनस 3 अपॉन 2 dx फ्रॉम 0 से 2 का, मतलब लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट 2 है। तो ये भी हो गया डेफिनेट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। और यहां पे 2 कॉन्स्टेंट है, तो दिस कॉन्स्टेंट टर्म कैन बी ब्रॉट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन में क्या होता है कॉन्स्टेंट हमेशा बाहर आता है। तो मैंने सबसे पहले 1 अपॉन 2 को लिया बाहर, बिकॉज 2 जो है वो कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू माइनस 3 dx को इस रूल से सॉल्व करेंगे, तो x रेस टू माइनस 3 का क्या होगा इंटीग्रेशन, x रेस टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, पावर में प्लस 1 और सेम पावर इन द डिनोमिनेटर एंड लिमिट्स आएंगे ब्रैकेट के बाहर। फिर यहां देखो x रेस टू माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 2, एंड यहां पे डिनोमिनेटर में माइनस 2 आ गया, लिमिट्स कितना है 0 से 2। फिर ये माइनस 2 भी कॉन्स्टेंट है, उसको भी मैंने बाहर लिया, तो 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 2 कितना होगा माइनस 1 अपॉन 4 हो गया, एंड x रेस टू माइनस 2 इज 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका पावर मैंने पॉजिटिव कर दिया, देखेंगे इन द डिनोमिनेटर। और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यही मेथड अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 1 अपॉन 4 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन 2 स्क्वायर है ना, मैंने पहले x को लिखा अपर लिमिट, माइनस 1 अपॉन 0 स्क्वायर का मतलब लोअर लिमिट लिया, ठीक है। अभी 1 अपॉन 0 का स्क्वायर जो होगा वो तो हो जाएगा 0 का मतलब ये टर्म तो हो गया इनफाइनेट, एंड समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनेट, ठीक है।
तो इसको अगर उन्होंने इग्नोर किया तो फिर अपना टर्म क्या होगा, इट इज माइनस ऑफ 1/16। तो ये होगा दो एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। फॉर्मूले तो हमने सब स्टडी कर लिया, सब का मतलब जो हमको फिजिक्स में चाहिए उतने हमने फॉर्मूले स्टडी कर लिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ एक्स डीएक्स। पहले मुझे आप बताओ कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है कि इनडेफिनेट? यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्यों? बिकॉज यहां पे हमको लिमिट्स नहीं पता, तो व्हेन लिमिट्स आर नॉट स्पेसिफाइड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। फिफ्थ रूट ऑफ एक्स को पहले लिखेंगे एक्स रेस टू 1/5। फिफ्थ रूट ऑफ एक्स इज एक्स रेस टू 1/5 डीएक्स। और फिर यहां पे कौन सा वाला अप्लाई करेंगे, एक्स रेस टू एन डीएक्स वाला। तो एक्स रेस टू 1/5 डीएक्स इज एक्स रेस टू 1/5 प्लस 1 अपॉन 1/5 प्लस 1। पावर में प्लस 1 किया और सेम पावर को लिखा इन द डिनोमिनेटर। 1/5 प्लस 1 इज 6/5, सेम 6/5 यहां पे, और प्लस सी लिखा। व्हाट इज सी? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर इसको आगे सिंप्लीफाई किया, 6/5 में से 5 विल गो इन द न्यूमरेटर, दिस इज 5 एक्स रेस टू 6/5/6 प्लस सी। तो ये हो गया इसका आंसर, प्लस सी लिखा, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द गिवन क्वेश्चन। ओके, एग्जांपल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x dx। वापस लिमिट्स आर नॉट गिवन का मतलब दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, अभी यहां पे एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो इसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअल टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। पहले सिर्फ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, फिर होगा इसका इंटीग्रेशन, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो वी डू इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स। एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 यूजिंग द फॉर्मूला एक्स रेस टू एन प्लस 1/n+1। तो पावर में प्लस 1 किया और सेम पावर को लिखा इन द डिनोमिनेटर। फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एंड 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स टू द बेस ई, और लास्ट मैंने क्या लिखा, प्लस सी। व्हाट इज सी? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, लिमिट्स माइनस पाई बाय 2 से प्लस 4/2। ये पाई बाय 2 ये क्या है, एंगल है जो मैंने रेडियन में एक्सप्रेस किया है। पाई बाय 2 का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, बिकॉज पाई होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पाई बाय 2 कितना हो गया, 90 डिग्री। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये कौन सा एग्जांपल है, डेफिनेट की इनडेफिनेट? यस, इट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, बिकॉज यहां पे लिमिट्स स्पेसिफाई की है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो इसको लिखा मैंने साइन एक्स, कॉस एक्स इज साइन एक्स, और फिर लिमिट्स आगे ब्रैकेट के बाहर माइनस पाई से प्लस पाई। और इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले एक्स को लिखेंगे अपर लिमिट और फिर एक्स को लिखेंगे लोअर लिमिट, इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सब्स्टिट्यूटिंग एक्स एज अपर लिमिट, दिस इज साइन पाई बाय 2, फिर आ गया माइनस साइन, फिर साइन ऑफ लोअर लिमिट, एक्स को लिखा लोअर लिमिट, तो दिस इज साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला इन मैथमेटिक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो व्हाट इज साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, माइनस साइन पाई बाय 2। तो ये माइनस साइन यहां पे आ गया और माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो दिस इज साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। ये माइनस साइन बाहर आ गया बाय दिस रूल। व्हाट इज साइन पाई बाय 2? पाई बाय 2 कितना होता है डिग्री में, तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली दिस पाई बाय 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट इज साइन 90 डिग्री? 1। तो दिस इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, का मतलब कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा,
2 when the limits are minus pi by 2 say plus pi by 2. So I have discussed three problems of integration. Now you are given two problems for homework. ये आप homework में solve करो. उसमें पहला formula, पहला जो problem आपको दिया है वो है integration of root x plus sin x plus 1 upon x dx. ये हो गया type of indefinite integration. इसको आप homework में solve करो. And दूसरा जो question है वो है integration of sin x dx and limits आपको दिए है 0 से लेके pi by 2. तो lower limit 0 है, upper limit pi by 2 है. का मतलब पहला जो problem जो मैंने आपको दिया है वो indefinite integration का है और दूसरा जो problem है वो definite integration है. तो try to solve this question at